नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। चिनिया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर मनमानी तथा राशि गबन करने का लगा आरोप। चिनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। चिनिया प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाती खैर के राजवास उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री पूजन सिंह पर मनमानी तथा राशि को गबन करने का आरोप लगाते हुए पंचायत के उप मुखिया पति रवि प्रसाद ने जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा चिनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कालिदास मुंडा को आवेदन देकर मामले की जाँच कर प्रधानाध्यापक पर कार्यवाही करने की मांग की। आवेदन में ये उल्लेख किया गया है कि विद्यालय का रंग रोगन के लिए मार्च 2022 को पैसा प्रधानाध्यापक के द्वारा निकासी कर ली गई, लेकिन अभी तक प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय का रंग रोगन नहीं कराया गया और अप्रैल से जून माह तक की मध्यान्ह भोजन का पैसा भी निकासी हो चुका है, लेकिन बच्चों के बीच मध्यान्ह भोजन को नहीं बांटा गया। विद्यालय के रजिस्टर की जांच की जाए, विद्यालय में बच्चों का हाजिरी कितना है, जिससे कि पता चल सके। और मुख्य बिंदु यह है कि सरकार के द्वारा बच्चों के बीच प्रतिभूति राशि का वितरण सरकारी स्कूल में किया जा रहा है, लेकिन हमारे राजवास के विद्यालय में अभी तक बच्चों के बीच प्रतिपूर्ति राशि का वितरण नहीं किया गया और हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक बराबर विद्यालय से गायब रहते हैं, जो कि इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसकी जाँच की जाए। वहीं इसी बाबत विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री पूजन सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि विद्यालय को रंग रोगन के लिए सामग्री विद्यालय में उपलब्ध करा दी गई है। हम अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए छुट्टी पर हैं। 4-5 दिन बाद विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय में रंग रोगन का कार्य तथा बच्चों के बीच प्रतिपूर्ति राशि का वितरण कर देंगे। जबकि इसी बाबत चिनिया प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कामता प्रसाद मेहता से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मिली है। फिलहाल जून माह से विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वेतन पर रोक लगा दी गई। जब तक प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रतिपूर्ति राशि का वितरण नहीं किया जाता है तथा उनके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक अगले आदेश तक उनका वेतन बंद रहेगा। आपका परिचय? ग्राम पंचायत बिलैती खैर के उप मुखिया पति हुए। क्या मामला क्या है आपके सर? मामला है कि ग्राम राजवास उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मार्च में प्रधानाध्यापक के द्वारा पेंट पुजारा जो स्कूल का पैसा था वो पैसा निकासी कर लिया गया है और निकासी किया गया है और क्षतिपूर्ति का जो अभी प्रतिपूर्ति का जो अभी पैसा आया है हरेक स्कूल में हरेक प्रखंड में पैसा बटा गया है, जो कि अभी ग्राम राजवास में आज तक अभी कहीं इसका पैसा नहीं बच्चे लोग को मिला गया है। और पैसा नहीं मिलने के कारण से बच्चे लोग बहुत परेशान हैं और बहुत तरह तरह की समस्या है। प्रधानाध्यापक यहाँ बराबर स्कूल से गायब रहते हैं। इनको कई बार बोला गया कि आप समय पे स्कूल आइए, समय पे बच्चों को ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। और आप कहीं शिकायत की है इसका, लिखित आवेदन? हाँ, इसका लिखित आवेदन गढ़वा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं चिनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं। अब बीओ से बराबर, प्रखंड शिक्षा प्रसार बीओ साहब से बराबर हमारा टेलीफोन से बात होते रहती है। बीओ साहब एक ही चीज़ कहते हैं कि इनका वेतन बंद कर दिया गया है, जबकि वेतन बंद करने से उनका कोई कार्रवाई नहीं होता है। आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए तब समझ में आएगा ना। वेतन बंद करने से ये कोई विकल्प नहीं है। बीओ साहब कुछ उस टाइप में ठोस जवाब नहीं देते हैं, इसी वजह से हम शिकायत किए हैं। और मध्य भोजन का आपको अप्रैल से लेकर जून तक का भी इसका पैसा निकासी हो गया। क्या चाहेंगे आप? इसमें जो होगा दोषी के ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई होकर प्रतिपूर्ति की राशि और रंग पेंट पोचारा का जो अभी विद्यालय में नहीं हुआ है पूरा, ये सब हो। इसमें गढ़वा आयुर्वेदिक शॉपी, यहाँ सभी प्रकार के बीमारी जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, लकवा, डिप्रेशन, पथरी पाइल्स, स्किन एलर्जी, तलवे में जलन, मोच का दर्द, साइटिका प्रॉब्लम, आँखों में जलन, कमर दर्द इत्यादि सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है नीलांबर पीताम्बर पार्क के सामने, पूर्व मंत्री ददई दुबे के आवास के बगल में गढ़वा।